हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाफ सलवार में अंडरग्राउंड लाइनें लगाने का सबसे इजी और सिंपल सा तरीका। ये देखिए, सबसे पहले हमने इस तरह से अपने सलवार की कटिंग की हुई है और ये सलवार के कुंदे हैं और ये सलवार के पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स की हमने इस तरह से लाइनिंग कट की हुई है और ऐसे हमने लाइनिंग को एक्स्ट्रा कट किया है, जैसे हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं उसी तरह से इसे कट किया है। तो इसे हम साइड में कर देते हैं। अब हम सबसे पहले अपने सलवार के आसन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, जैसे हम सिंपल आसन अटैच करते हैं उसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे ही आसन को स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आसन अटैच करने के बाद अब हम सलवार में पार्ट्स अटैच करेंगे, जिसमें हम अंडरग्राउंड लाइनें लगाएंगे। सिर्फ पार्ट्स में ही अंडरग्राउंड लाइनें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इस तरह से ये आसन लेना है, यानी कि जो कुंदे होते हैं सलवार के वो लेने हैं। और उसके बाद ये हमारे सलवार के पार्ट्स हैं, जो मेन फैब्रिक है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और उसके बाद जो हमारे लाइनिंग वाले पार्ट्स हैं इसको हम नीचे रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम इस तरह से नीचे रखेंगे। और इस तरह से इसके ऊपर हम कुंदे रखेंगे, जो हमारी सीधी साइड है इस तरह से रखते हुए। और उल्टी साइड हमने लाइनिंग रखनी है। और इसके ऊपर हम ये वाले कुंदों को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक बार आप फिर ध्यान से देख लीजिए लाइनिंग, और उसके बाद ये सलवार के कुंदे, और उसके बाद ये सलवार के पार्ट्स हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले आपने अच्छे से मशीन को चेक कर लेना है, कहीं से भी आपकी जो मशीन की सिलाई है वो खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो आपने अच्छे से इसे चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में हमें सिलाई सेट करनी होगी और हमारी लाइनिंग अंडरग्राउंड होगी तो हमें सिलाई सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। जी देखिए, इस तरह से खोलने के बाद अब आप देखिए जो इसकी लाइनिंग है वो अंडरग्राउंड लग चुकी है। देखिए इस तरह से कहीं से भी जो सिलाई है वो दिखाई नहीं दे रही, हमने कैसे सिलाई लगाई है। अब हमने दूसरी साइड पर जो सिलाई लगानी है उस सिलाई को भी हमने अंडरग्राउंड ही लगाना है। तो इसे इस तरह से रखेंगे और ऐसे हमने सलवार का कुंदा लेना है, इस तरह से सीधी साइड से रखते हुए, ऐसे रखते हुए। अब इसे हम, ये हमारी सलवार की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमें इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है उल्टी साइड रखते हुए। जी देखिए इस तरह से रखते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास पार्ट्स हैं, जी देखिए ऐसे रखेंगे। और जो सलवार के पार्ट्स हैं इन्हें हम इस तरह से घुमाते हुए, जी देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप फिर देख लीजिए, ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम सलवार के पार्ट्स को इस तरह से घुमाते हुए इसकी भी सिलाई लगाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे।
और जहाँ से जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। अब मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ, जो हमारी दोनों सिलाइयाँ हैं वो अंडरग्राउंड लग चुकी हैं बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरह से दोनों सिलाइयाँ हैं वो इस तरह से लग चुकी हैं, कहीं से भी हमें दिखाई नहीं दे रहा हमने कैसे सिलाई लगाई है। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ हमने आपको लाइनिंग लगाना बताया है। एक बार आप फिर देख लीजिए, क्योंकि हमने दूसरे जो पार्ट्स हैं उन्हें भी ज्वाइंट करना है, वो भी मैं आपको ज्वाइंट करके ही दिखाऊंगी, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इस तरह से रखेंगे पार्ट्स को, सॉरी कुंदों को, और इसके ऊपर हम पार्ट्स रखेंगे ऐसे, और जो लाइनिंग वाले पार्ट्स हैं इसे नीचे रखेंगे, और इस तरह से नीचे रखते हुए ये कुंदे आ जाएंगे और ये सलवार के पार्ट्स आ जाएंगे, और इसे इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसे भी हम जब इस तरह से ओपन करेंगे जो देखिए ऐसे, और जिस सिलाई भी सेम वैसी आ जाएगी अंडरग्राउंड। ये देखिए कहीं से भी पता नहीं लग रहा हमने सिलाई कैसे लगाई है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड से कुंदे को स्टिच करेंगे। इस तरह से इसे रखते हुए, क्योंकि ये ऊपर रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमने इसे घुमाते हुए लाइनिंग में अटैच करना है ऐसे, और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से हमें ऐसे घुमाते हुए, और ऊपर जो कुंदे वाला फैब्रिक है, सॉरी पार्ट्स वाला फैब्रिक है, उसको भी हम ऐसे घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखते हुए। ये देखिए आप एक बार फिर देख लीजिए अच्छे से ध्यान से लाइनिंग, और जो कुंदे हैं इनको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, जी देखिए इस तरह से रखते हुए ऐसे रखेंगे, और जो सलवार के पार्ट्स हैं और इसे हम ऐसे उल्टा रखते हुए ऐसे रखेंगे, और इसे इस तरह से उल्टा रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से इसे निकालते जाएंगे फैब्रिक को, और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसका जो तरीका है थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप भी आसानी के साथ अपनी सलवार में अंडरग्राउंड लाइनिंग लगा पाएंगे। अब जी देखिए इस तरह से जो हमारे सलवार में दोनों साइड से जो पार्ट्स हैं इस तरह से अंडरग्राउंड लाइनिंग के साथ अटैच हो चुके हैं। जी देखिए ऐसे आप भी अपनी सलवार को इसी तरह से स्टिच कर सकते हैं। अगर आप फुल सलवार में अंडरग्राउंड लाइनिंग लगाना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।